बहुत धन्यवाद जी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं आप क्या करते हो। तो फिलहाल मैं अभी अभी आप लोगों के साथ लाइव हूँ, तो इसलिए बता देती हूँ, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ और मीडिया पब्लिसिटी में काम करती हूँ। अपना ही मीडिया चैनल है और साथ में मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम भी करती हूँ। और भी बहुत सारे वर्क फ्रीलांस में करती हूँ, जॉब नहीं करती हूँ कहीं। तो बाकी बाकी हमारे ब्लॉग चैनल को जो भी आप लोग देखते हैं ना, तो सब पे आप लोगों को दिखता होगा मेरा डेली वर्क। अभी जो है मैंने डाल रखा है नया वीडियो, 12 बजे डाली थी। उसको देख के आप लोग देखिए कितना कितना मैं मेहनत करती हूँ और मुझे टाइम नहीं रहता एक मैसेज करने का, एक मैसेज के रिप्लाई का। तो तब भी मैं अभी लाइव आके आप सब लोगों के साथ मैं अभी बात कर रही हूँ। ये टाइम भी मैंने निकाला है अभी। तो जैसे कि और क्या बोलूँ, अकेले बोलना भी बड़ी बात है। अगर आपको अकेले कोई दे दिया जाए, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, तो कुछ लोगों का मैसेज आया है तो मुश्किल हो जाता है कि किस सब्जेक्ट पे बात किया जाए, क्या किया जाए। फिलहाल सभी दोस्तों का धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और हमारे फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि उन सारे लोगों की वजह से ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और वहाँ से अर्निंग अब स्टार्ट हुई है। अभी जेब में आया नहीं है, बट वहाँ से लोग जो ऑन होता है अर्निंग का, तो वो आज ऑन हुआ है और उसमें स्टार बटन दे के सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं हमें। इसी तरह से इंस्टाग्राम पेज भी हमारा ये अर्निंग ऑन हो चुका है, वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं, पर कोई सपोर्ट करता नहीं है किसी को आज के ज़माने में बिना मतलब के। ये भी एक सत्य है। ऐसे तो बोलने के लिए ये मेटा की तरफ से ये है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों से ये बोल सकते हैं कि आपको सपोर्ट करें, पर क्यों, कोई क्यों करेगा सपोर्ट, और कोई कर भी सकता है, ऐसे उनकी मर्जी है। आप सब लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें लाइव में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अहमदाबाद से देख रहे हैं आप, धर्म रक्षा दल, और शर्मा जी आप कहाँ से देख रहे हैं, और भी जितने भी लोग जुड़े हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल भी यहाँ पूछ सकते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इसको भी मेंटेन करना ना आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इतना मेहनत लगता है अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन एक एक चीज़ की जानकारी रखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सबको नहीं आती है। हम जैसे जैसे इसमें मेहनत करते जाते हैं ना, उसमें हमें सीखने का मौका मिलता है। तो अभी हमारे पास एक दो ऐसे फेसबुक पे आ गए थे जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था, तो मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च करके उसके बारे में जाना। तो उसमें जो है, जो एक लड़के ने उसके बारे में बताया था, ऑन स्ट्रीम कुछ इस तरह से हमारे पास आया है, इन स्ट्रीम एड, उसको कैसे हम लोग को चलाना है। तो फिर उसके बारे में एक बंगाली लड़के ने, तो बंगाली मुझे आती है थोड़ी सी, तो मैंने, हालांकि हिंदी में नहीं था लेकिन होना चाहिए, अगर आपको कुछ आ गया तो उसको फेसबुक पे या यूट्यूब पे बना के वो अपनी ज्ञान दूसरों तक बांट सकते हैं, जिससे कि जो लोग हैं जिसको नहीं आता है वो उस चीज़ के बारे में जान सके। तो ऐसे ही मैंने बहुत सर्च किया कि ऐड ऑन स्ट्रीम क्या होता है, तो गूगल जैसे ही यूट्यूब पे लिखेंगे तो उसने बता दिया। तो बंगाली में बता रहा था लेकिन मुझे बंगाली समझ में आती है तो मैं समझ गई, लेकिन हिंदी में भी होना चाहिए ये चीज़, यही है। तो अगर आप लोगों को भी चैनल, अगर आप लोग का चैनल भी है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको अपडेट कर दे वो कर दूँगी, सब्सक्राइब कर लूँगी और लोगों से सब्सक्राइब करवा दूँगी। तो मानिक चंद जी, इसको शेयर करिए ज़रा सा,
बहुत सारे लोगों को शेयर करिए ताकि लोग देख सके। बाकी ऐड तो हो नहीं पा रहे हैं।